बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। जतिन की जानब से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों आज मैं बनाना जा रही हूँ सफ़ेद चने शोरबे वाले, जिसके लिए लिया है मैंने ये प्याज लिए हैं दो दर, इसको डालूंगे मैं कुकर में। ये दो घंटे मैंने लिए लहसुन के, ये भी मैं इसमें डालूंगी। एक लिया मैंने टमाटर, ये भी मैं इसमें डालूंगी। और एक गिलास डालूंगी मैं इसमें पानी। इसको मैं 5 मिनट प्रेशर दूंगा, चूल्हा करती हूँ ऑन। अब देख सकते हैं प्याज को और मैं भूनना शुरू कर दिया। इसमें डालूंगी मैं ये 1 चम्मच मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक, कटी से मैं डाल दूँ। और इसी में डालूंगी मैं ये मैंने लिए 2 बड़ी इलायची, दालचीनी और 3-4 लौंग, ये भी इसमें डाल दूँगी। इस मसाले को मैं अच्छी तरह भून लूँगी और इसी में डाल दूँगी मैं ये चने, इसको मैं अच्छी तरह भून लूँगी। इसमें ये मैंने पहले भुगो दिए थे 3-4 घंटे पहले, फिर इसको धो के अच्छा साफ करके चुन के फिर मैंने इसको इसको दे दिया। एक तरह भून के दूंगी मैं इसको प्रेशर। चलो को मैंने अच्छी तरह भून लिया, अब मैं इसमें डालूंगी मैंने लिया एक लहसुन का गंडा, उसका मैंने ये पानी निकाल लिया, इसमें डालूँगा। इसी के साथ में डाल दूंगी दूसरा पानी, जितना आप इसका शोरबा रखना चाहें। इसमें इसको कम से कम 10 मिनट प्रेशर दूंगी मैं। आप देख सकते हैं 10 मिनट प्रेशर दिया मैंने, शोरबा हमारा तैयार हो गया। अब इसमें डालूंगी ये मैंने लिया सूखी मेथी कुछ, इसको मैं ऐसे हाथों से मसल के ये डालूंगी इसमें। इसमें डालूंगी मैं 1 चम्मच धनिया और जीरे का पाउडर। बिस्मिल्लाह। इसमें डालूंगी मैं ये धनिया मैंने धो के रखा हुआ था, इसको मैं करती हूँ अब डिश आउट। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे मज़ेदार से चने हो गए तैयार, बहुत ही टेस्टी बने शोरबा इसका। हमारी रेसिपी को ट्राई ज़रूर किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल खदीजा किचन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमें दुआ में याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।